नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर सेकंड पॉलीनोमियल्स। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल डिग्री 100। बेटा इसके अंदर हम क्या करना है, एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो 35, और एक देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो सबसे पहले आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और पता होना चाहिए होते क्या है। बेटा कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसके अंदर सिंगल टर्म है आपके पास, जैसे अगर आपके पास सिंगल टर्म है तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास मोनोमियल। ओके बेटा, अगर हमारे पास टू टर्म्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास डिग्री टू नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स आर टू, सो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, बाइनोमियल। ओके, और अगर हमारे पास थ्री टर्म्स है बेटा तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ट्राइनोमियल। ओके, ओके बेटा, आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल समझ में आ गया। ओके, अब अपन को क्या करना है, बाइनोमियल का एक एग्जांपल देना है बेटा। तो बाइनोमियल का एग्जांपल देना है, तो बाइनोमियल के अंदर टर्म्स कितनी होगी, टू होगी। तो अपन ने क्या किया, ये वेरिएबल लिखा और कोई भी एक कॉन्स्टेंट ले लिया। ओके, अब उसके अंदर डिग्री कितनी लगानी है अपन को, 35, तो पावर कितनी होनी चाहिए, 35। ओके बेटा, ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हो आप, इसके आगे नंबर भी लगा सकते हो, ऐसा भी छोड़ सकते हो, लेकिन टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 35, ये जरूरी है। ओके, एक एग्जांपल देना था सो अपन ने एक एग्जांपल दे दिया। ये तो किसका एग्जांपल है अपने, मोनोमियल का। ओके, अब ये है अपने पास बाइनोमियल का एग्जांपल, सॉरी इसका एग्जांपल है बाइनोमियल का, बाइनोमियल और सेकंड हमसे पूछा गया इससे मोनोमियल। मोनोमियल के अंदर डिग्री कितनी, 100। मोनोमियल्स मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म। ओके बेटा, ये एक्स है सिंगल टर्म है, ये इसके साथ क्या करो, इसकी डिग्री 100 लगा देते आप, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो गया हमारे पास ऑफ डिग्री 100। ओके बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसके आगे कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर भी लगा सकते हो। ओके,